से लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। Happy birthday to you. Happy birthday, Safina. May you have many, many more. Enjoy your day. I was about to take off, so I thought I should call you. Oh, thank you. Have a safe flight. Have a great day. Okay. Okay, bye. Bye. Kiska phone tha? Saad ka. Saad ka? Dubai nahi gaya abhi tak. Flight mein hi hai. Bas, meri birthday hai na 12 baje ke baad. To wish kar raha tha. In advance. Thank you. You're welcome. And a very happy birthday, my beautiful wife. Abhi se wish kar diya. 12 to nahi baje. Isliye advance mein kiya hai kyunki ho sakta hai us time tak main thoda sa busy ho. Ye drill ki awaaz? Amma abhi tak studio mein hai? Main dekhta hu. Nahi, main dekh aati hu na. Nahi yaar, main dekh raha hu ja ke. Okay. Bhai, isliye maine aapko kaha tha ki pool pehle bhej de. 5 minute to abhi ho jayenge yaar. Acha, main aa raha hu. What's happening? अभी तक कोई तैयारी क्यों नहीं हुई? बस भाई फूल और कैंडल्स दरवाजे पे हैं। और ये मुराद का तैयार हो रहा है। मुराद और उसकी तैयारियां। उठा ले फोन। ओके बाय। थैंक यू फॉर कॉलिंग। शादी के बाद पहली साल करा, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं सही कहती थी, बहुत ही बेसब्री और नाशुक्री हूं मैं। इंस्टा पे लगाऊंगी फर्स्ट बर्थडे आफ्टर मैरिज। जल्दी जल्दी करो, वक्त कम है। वंडरफुल। ये क्या भाई, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? आप तैयार हो गए, बड़ी बात है। अब तो थोड़ी सी मेहनत कर लें अपने आप पर। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई। अपनी शादी पे तो मैं 2 घंटे पहले बताऊंगा ताकि तुम टाइम पे आ जाओ। तुम कुछ भी कर लो, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब बातें बंद करो, चेक करो अम्मा क्या कर रही है। अच्छा, मैं चेक करके आता हूँ। ये मेरा हीरो बेटा है, है ना? आई लव यू नूरो अमात, हैप्पी बर्थडे। यू टू मेरी जान। अभी कहाँ है? अभी मस्ट बी अपस्टेयर्स, मैं उसे देख कर आता हूँ। आओ इधर, मैं बैठूँ। सफीना, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे आपके हर स्टेप का पता चल जाता है। That's like a good wife. चले? चलो।
इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ. थैंक यू. यू वेलकम. ये पेंटिंग हुनैद ने मेरे लिए ली होगी, है ना? Yes. It's beautiful. और ये फूल, ये कैंडल, ये सारा अरेंजमेंट, ये मेरे आशिक मिजाज बेटे सफीर की अरेंजमेंट होगी, है ना सफीर? जी अम्मा. बहुत रोमांटिक है ये, हर जगह रोमांस झाड़ता है. अब के बार जिससे प्यार करूंगा सच्चा करूंगा. ख्याल रखना सफीर, मोहब्बत बहुत रिस्की खेल है. दिल हारने का चांस होता क्यों अम्मा? नहीं, मेरा बेटा बहुत समझदार है, ये कभी मुझसे मेरा इख्तियार वापस नहीं लेगा, है ना सफीर? जी अम्मा. सफीना आओ ना, तुम भी अब इसी फैमिली का हिस्सा हो. इतनी देर से क्यों आई हो? वो अम्मा तैयार हो रही थी. वो कहाँ है हरियाली बुआ? वो तो सो गई 9 बजे रोज की तरह. अरे तो जाओ ना, जगाओ उन्हें, जाओ लेकर आओ. अम्मा 12 बजने वाले हैं. हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, जल्दी जाओ उन्हें बुला कर लाओ, जाओ. अरे देख के अब चीजें ना गिराती जाना. अरे भाई कैंडल्स तो लगाओ, अब 12 बजने वाले हैं. इन दोनों का गिफ्ट तो है, लेकिन तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है भाई? मामा मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा कि मैं आपके लिए जेवर ले लूं, लेकिन जेवर की तो आपके पास पूरी दुकान है. सेटअप भाई ने करा दिया, पेंटिंग भैया ले आए, मेरे लिए उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं. उफो, हराली बुआ, उठे, उठे, चले उठे. अरे क्या हुआ दुल्हन? मेरी बर्थडे है, सब इंतजार कर रहे हैं, उठे. और आप सो रही हैं? उठे उठे, चले चले. दुल्हन चले. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. अरे तो तुम लोग क्यों रुक गए? आओ ना. आई नो. मैं तो बिल्कुल भूल गई कि आज तुम्हारी सालगिरह है, 21 अप्रैल है. ये तो मुझे दुल्हन ने कहा था कि इसकी सालगिरह है. तुम्हारी बर्थडे है आज? अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने बताया था हुनैद को. नहीं, मुझे बताना था ना. चले मां, क्या क्या पड़े, देर हो रही है ऑलरेडी. भाभी प्लीज आए ना. आए. हाँ हाँ आओ आप. आए, आए ना बुआ, इधर आए. Thank you.
वालेकुम अस्सलाम। अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। बोनस मिल गया आप लोगों को? मैडम बहुत बड़ा सरप्राइज दिया आपने तो। बस हुनैद की जिद थी कि अम्मा की सालगिरह पर सबके लिए बोनस होना चाहिए। बेटा ये जरा अंदर रख दो। मैं वो फाइल लाया था मैम। दिखाएं। ये अरे अच्छा मैं ये हुनैद से डिस्कस करके साइन करूँगी, आप सदर वाली वर्कशॉप से बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी लें। राइट मैम। चलो ठीक है, फिर तुम्हारे कहने पर मैं साइन कर देती हूँ। ओके। अम्मा वो मैं सब्जियाँ कट गई? हाँ जी, और बिरयानी के चावल भी बॉईल हो गए हैं। अच्छा तुम चलो फिर मैं आती हूँ। सुनो जी, रायता बना लेना और साथ में सैलेड भी, कुछ उमर सैलेड बनाना लेकिन प्याज बारीक बारीक काटना। जी ठीक है। सुनो 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 जी। बेटा अपना हुलिया ठीक रखा करो। वो मैंने सोचा कि काम खत्म कर लूं फिर फ्रेश हो जाऊंगी। काम तो कभी खत्म नहीं होते, अपने लिए वक्त तो निकालना पड़ता है ना। जी अच्छा बात सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। क्या मिला? मैं समझी नहीं। गिफ्ट? ओ अभी तक तो कुछ भी नहीं। तुम पहले बता देती ना कि आज तुम्हारी सालगिरह का दिन है तो मैं हुनैद से कह देती। चलो आज कह दूंगी, रात तक तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट दे देगा। खुश? थैंक यू अम्मा। थैंक यू किस बात का, आखिर तुम बहू हो इस घर की। कुछ तो सोचे कि मैं भी इंसान हूँ, सुबह से लेकर रात तक घनचक्र बनी रहती, ऊपर से सजू और सफरू भी मैं, और आपने आपने क्या दिया है मुझे? फजूल खोखले असूल जिनका भला सिर्फ आपको ही होता है। और एक अदब बेटा, जो शोहर मेरा है पर गुरविदा आपका है। अब ठीक लग रही हूं मैं नूर जहां साहिबा? अरे आप क्यों कर रही हैं ये? हटे तुम्हारे साथ रह रह के हम भी खत्ती हो गए। वो कहाँ है सफीना? अभी तो यहीं थी, मेरे ख्याल है कमरे में गई होगी। मैं सोच रही थी सारा घर का काम काज उसके कांधों पे डाल दिया है, उस बच्ची के बस की बात नहीं है। मैं भी बच्ची थी जब मैंने काम शुरू किया था। तुम्हारी बात और थी, हर औरत नूरजहां नहीं बन सकती। भट्टी तो भट्टी होती है ना हरियाली बुआ, पका के सांचे को पक्का कर देती है। कमजोर सांचे टूट जाते हैं। गुर्बत बहुत मजबूत सांचा बनाती है हरियाली बुआ। यही तो तुमसे कह रही थी, अब तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, नौकर ना रखने की जिद छोड़ दो, हर घर में अब तो नौकर हो गए। हरियाली बुआ हर घर के बेटे इतने लाडले नहीं होते, मर्द तो मर्द होता है ना, शौहर हो या बेटा हो, उसके दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। और फिर इसके घर में कौन से पहले मुलाजिम थे, उसको आदत है काम करने की। और तुम कब आई? अम्मा मैं कर देती हूँ, आप क्या करिए। नहीं नहीं रहने दो, अब तो मैंने हांडी चढ़ा दी है। सब कुछ तो रख के गई थी मैं। तुम तो नहीं थी ना यहाँ? अम्मा मैं वॉशरूम गई थी। आप हटिए ना, मैं कर देती हूँ। अच्छी बात है। अप्रूव्ड है ना फिर? हाँ ठीक है। फाइल कर दूँ? कर दो। वो दुबई वाली एग्जीबिशन का क्या बना? बस फाइनल स्टेजेस पे। गुड। बस उस एग्जीबिशन से फारिग होते ही मैं तुम्हारी शादी तय कर रही हूँ। लड़कियां देखनी शुरू कर दी हैं मैंने, जैसे ही कोई लड़की पसंद आई उसी से दिल लगाना बस। अम्मा इतनी क्या जल्दी है, मैंने अभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं है। तो तुमने सोचना भी नहीं है,
ये तो मेरा काम है ना। ओहो, विंदलिल्लाह राजू। क्या हुआ? जावेद साहब की डेथ हो गई है। तुम तीनों भाई तकवीन पर जरूर जाना, वो हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय थे। जी, आप नहीं जाएंगी? तुम जानते हो ना, मैं फौरन पहुंचना मुनासिब नहीं समझती। जी नहीं, वो मुझे लगा कि हमारे पुराने एम्प्लॉय हैं तो। सफीर, अपनी जात को अहम करने के जो उसूल होते हैं ना, वो सबके लिए बराबर होते हैं, उसमें रियायत किसी को नहीं होती, समझे? I get it. बहुत अच्छे इंसान थे, अब ऐसा एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल होगा। मैं ऑनेस्ट, मैं हार्ड वर्किंग, अल्लाह मगफरत करे। अम्मा से बड़ी शिकायत की जा रही है मेरी? नहीं तो विनती आपकी। अम्मा कह रही थी मैं तुम्हें बर्थडे का कोई तोहफा दे दूं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें पैसे दे दूं अपनी मर्जी से कुछ लोगी, और आई हैव अ बेटर आइडिया, स्टूडियो से तुम्हें ज्वेलरी क्यों ना ले दूं? मैं दोनों चीजों की भूखी नहीं। ऐसा क्या कहती है मैंने? अम्मा ने याद दिलाया तो एहसास हुआ आपको, वैसे ख्याल नहीं आया। सफीना, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। माशाल्लाह सब कुछ तो है तुम्हारे पास। एक ही घर में रहते हुए अम्मा की बर्थडे के लिए सब कुछ, बीवी की बर्थडे के लिए कुछ नहीं, सब कुछ उनके लिए। हाँ है। क्योंकि तुम्हारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, और अगर कभी हुआ भी ना तो तुम हार जाओगी। इसे दोबारा मत करना, ओके? नहीं आया अभी तक? नहीं, उनकी यूके एग्जीबिशन की मीटिंग थी ना आज। ओ, उससे कहना कि मुझसे पूछ कर डेट रखे, ऐसा ना हो कि एग्जीबिशन की डेट शादी की डेट से क्लैश कर जाए। किसकी शादी? तुम्हारी और किसकी? जूस पकड़ाना। ये क्या तरीका है? मेरी मामा भी यही कहती है, ये क्या तरीका है? अब क्या हुआ? रिश्ता आया है, वो भी मेरी मामा ने ढूंढा, और ढूंढ के समझ रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा मार्का मारा है, क्योंकि उस लड़की के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो मैं उन्हें गिनवाती थी। पता नहीं मैं रिश्ते से इनकार कैसे करूंगी। देख लो कहीं हाँ ही ना हो जाए। हो भी जाएगी एक दिन, अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड रहा तो। मेहमान बन के आना मेरी शादी पे। ज्वेलरी हमसे बनवाना, डिस्काउंट मिलेगा। तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो ना मुझे लेके। यार तो फिर अपनी अम्मा को लेके आओ मेरे घर, मेरे पेरेंट्स रिश्ते की बात करें। की तुमने बात? लगा हुआ हूं। लेकिन कब? बात तो तुमसे हो नहीं रही है, रिश्ता कैसे लेके आओगे? हो जाएगी जल्दी। अब सफीर, जल्द का मतलब जल्द होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं उस रिश्ते को कितनी देर तक रोकती रहूंगी। एक बात बताओ, ये तो अपनी अम्मा से हर छोटी से छोटी बात करने से पहले इतना डरते क्यों? मेरी अम्मा बाकी माओं से बहुत मुख्तलिफ।
सफ़ीर माँ माँ होती है, जिससे औलाद दिल की बात कोई चचक कर सके। हमारी माँ का मानना है कि उनके दिल की बात और हमारी बात एक होनी चाहिए। बस जी, कैंसर जैसा मौजी मरज भाभी की जिंदगी निकल गया। अपनी हैसियत से बढ़कर जावेद भाई ने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन भाभी की जिंदगी ने वफा न की और अब वो खुद चल बसे। बहुत अफसोस हुआ जी। बस जावेद भाई को तो भाभी का गम खा गया, वरना तो अच्छे भले थे। उनका घर क्यों बंद है? उनके बच्चे वगैरह फैमिली? वो जी एक ही बेटी है उनकी, जवान जहान यतीम बच्ची को अकेले कैसे छोड़ देते, तो अपने साथ ही ले आए उसे। जी सुम्बुल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आप क्या उनके इकलौते भाई को? क्या करते हो सफीर, तुम्हारे ध्यान किधर है? हाथ जला दिया उसका। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं जला। सुम्बुल बेटा तुम आओ यहाँ बैठो। बेटा ये नूरजहां साहिबा हैं। मुझे तुम्हारे वालिद के जाने का बहुत अफसोस हुआ। अब्बा बहुत जिक्र किया करते थे आपका, आपकी मेहनत के बहुत किस्से सुनाए। वो मेरे पहले एम्प्लॉय थे, उनके अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। ये इस पे कुछ लगा लो बेटा। मैं ठीक हूँ। अरे सुर्ख हो रहा है, देखो सफीर तुम्हारी लापरवाही। सफीर जी फोन बंद करो, स्विच ऑफ करो। तो बेटा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो कभी भी तुम मुझसे कह सकती हो, तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। भाई साहब आप भी बच्ची का ख्याल रखिएगा। खैर अब हम निकलते हैं, आप हमें इजाजत दें। अच्छे शरीफ लोग थे जावेद साहब के घर वाले, सादा और पुरखलूस। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जावेद साहब थे भी बहुत ईमानदार। इतने अरसे तक हमारे साथ काम किया, मजाल है जो एक आना भी इधर से उधर किया। जावेद साहब ने पिछले साल हमसे लोन लिया था ना 6 लाख का? जी अम्मा 5 लाख का। अच्छा वो लोन राइट ऑफ कर दो। अम्मा हम उसे भी तो जॉब दे सकते हैं, बहू भी बना सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, अगर आपको मुनासिब लग रहा है तो। बिल्कुल अच्छी थी संजीदा सी। एक तो मैं तुम्हारे फोन से बहुत तंग हूँ सफीर, आखिर किसके मैसेजेस आ रहे हैं? होगी कोई हसीना। मैं इस वक्त गुस्से में हूँ मुराद, मेरे लाड प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ। सॉरी नूरमा। कौन है? क्लाइंट था। कह दो उसे उसके साथ कारोबार नहीं करना। कह दो। तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें कहा है ना मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा। आई प्रॉमिस। चंद दिन, बस चंद दिन अपने माँ बाप को रोक लो। आई प्रॉमिस मैं अपनी अम्मा को ले आऊंगा। कैन यू ट्रस्ट मी फॉर वंस?
आप लोग तो जी बड़े लोग हैं। देखिए मेरी नजर में लोगों की इज्जत पैसे से नहीं, उनके शराफत और किरदार से होती है। जावेद साहब में ये दोनों खूबियां मौजूद थी तो उनकी बेटी में भी होंगी। यूं भी मैंने उनका लोन माफ कर दिया है जो लिया था उन्होंने। तो बताइए फिर आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है ना? मंजूर है जी, क्यों नहीं मंजूर होगा। सुंबल के लिए इससे बढ़कर रिश्ता और क्या आएगा। आज जावेद भाई की रूह को सुकून मिल गया होगा। मेरे बड़े हमदर्द थे जी, मैं भी बहुत खुश हूं उनकी बेटी के लिए। देखिए दिल चाहे कितना भी उदास क्यों ना हो, ऐसे मौके पर मुंह मीठा करना तो रस्म है ना। जी शुक्रिया जी। ये ले जावेद भाई, आज होते तो बहुत खुश होते। अब भी उनकी रूह बहुत खुश हो रही होगी कि उनके भाई ने उनकी बेटी का इस कदर ख्याल रखा। जी वो भी मेरे बच्चों का इतना ही ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे जी। मुझे कहते थे जैसे ही नादिर भी काम करेगा मैम से कह के स्टूडियो में नौकरी लगवा दूंगा। आप ऐसा कीजिए, अपने बेटे को कल ऑफिस भिजवा दीजिए, उन्हें देख लेगा। शुक्रिया बेगम साहिबा, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे आपको। सफीर भाई, अगर आपको भूख लगी तो मैं आपके लिए खाना लगा दूं। नहीं, जब सब आएंगे तो मैं तभी खा लूंगा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। हुनैद नहीं आया अभी तक? नहीं, उनकी यूके एग्जीबिशन की मीटिंग थी ना आज। ओह, उससे कहना कि मुझसे पूछ कर डेट रखे, ऐसा ना हो कि एग्जीबिशन की डेट शादी की डेट से क्लैश कर जाए। किसकी शादी? तुम्हारी और किसकी। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारी पसंद की मिठाई लेकर आई। सफीना उठो, मिठाई खिलाओ सबको। ये मिठाई किस खुशी में? अरे हरियाली बुआ, मैं अपने सफीर का रिश्ता पक्का करके आई हूँ। 3 महीने बाद शादी है। यूं आनन फानन किससे रिश्ता तय कराई? जावेद साहब नहीं थे बेचारे, हमारे अकाउंटेंट जिनकी अभी डेथ हुई है, उनकी बेटी है सुंबल, बहुत समझदार और प्यारी लड़की। अम्मा इतनी जल्दी? हाँ भाई, मैं गई, मैंने रिश्ता मांगा, उन्होंने हाँ कर दी, तो बस मैंने अंगूठी पहनाई और मैं आ गई। निकाह की तारीख तय कर दी है 3 महीने बाद। अम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सफीना तुमने खाना नहीं लगाया अब तक, क्या वक्त हो रहा है? देखा है, खाना लगा। जी अम्मा। अच्छी है ना मिठाई? बहुत स्पेशल जगह है ये। कमाल करते हो सफीर, मैं यहाँ पे हर रिश्ते से इनकार कर रही हूँ और तुम मुझे अपना रिश्ता तय होने की खुशखबरी सुना रहे हो। किस किस्म के इंसान हो तुम? तुमसे अपनी माँ से जरा सी बात नहीं हो पा रही है। रिलैक्स माँ, 3 महीने बाद है शादी, अभी थोड़ी हो रही है, उस वक्त तक कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरी कमिटमेंट तुम्हारे साथ है। पता नहीं तुम कब अपनी कमिटमेंट पूरी करोगे। ये कहकर सफीर साहब ने फिर फोन बंद कर दिया। ठीक है तुम जाओ। ठीक है बेगम साहब। जी साहब, साहब बताइए क्या मसला है? मसला कुछ नहीं है, बस एक ख़ानदानी हवेली थी जो मुख्तार शाह साहब के वालिद के नाम पर थी,
जो कि आप वो बेचना चाहते हैं। लीगल हेल्प में पता चला आप और आपकी वालदा भी आती हैं, तो इसी सिलसिले में मुख्तार साहब ने मुझे भेजा है ताकि मैं आपके और आपकी वालदा के साइन करवा लूँ। बस इसमें सिंपल यही लिखा है, आप और आपकी वालदा अपनी खुशी से मुख्तार साहब के नाम पर यह हवेली कर रहे हैं। हम खाली लीगल हेयर्स नहीं हैं, हमारा बाप भी उसकी दादा का बेटा था। हुनैद साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि बख्तियार साहब ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में ही बेदखल कर दिया था, और जहाँ पगड़ी ना मिली, गद्दी ना मिली, वहाँ एक हवेली तो छोटी सी चीज़ है। हम नहीं मानते, साइन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, आप क्यों एक हवेली के लिए अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं? इसी बात का तो दुख है, रिश्ता ही तो नहीं बचा। सफीर आओ, आओ देखो, डिजाइन पसंद करो इनमें से कोई। ये किस चीज के कार्ड्स हैं? तुम्हारी शादी के। अम्मा अभी से कार्ड्स? अरे भाई, अच्छा नहीं लगता कि नूरजहां की जो बहू है वो पराए घर में ज्यादा दिन तक रहे, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, वलीमा हम उसी तरह करेंगे, धूमधाम से, शायान शान। अम्मा मैं अभी शादी। ये क्या कार्ड लाए हैं आप? क्या है ये? जो मैंने आपको स्पेसिफिकली कलर बताया था वो क्यों नहीं लेकर आए आप? जब मैं बहू अपनी मर्जी से ला रही हूँ, शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, तारीख अपनी मर्जी की तय कर रही हूँ, तो फिर कार्ड भी मेरी मर्जी के होंगे ना? अब आप मुंह क्या देख रहे हैं, जाएं। एक फाइल उठा के आ गए। हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं, कोई खास बात नहीं थी, बाद में कर लूंगा। ओके। अच्छा किया, कल जाऊंगी कार्ड देने। कौन जाएगा मेरे साथ? तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हम शादी का कार्ड देने जा रहे हैं, जान से मारने तो नहीं जा रहे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जरूरत क्या अम्मा, सीरियसली। अपनी बरादरी है, दुनियादारी होती है, रिश्तेदारी है, ये सब तो करना पड़ता है ना। तो ठीक है, मैं और मुराद चले जाएंगे। ठीक है मुराद? डन। तो अभी तक तुम लोग मुझे अपना रिश्तेदार मानते हो? मानते हैं, इसीलिए तो आए हैं बुलाने। अच्छा, मैं तो समझा था इस दफा मुलाकात फिर कोर्ट में होगी। हक पर डाका ना पड़े तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ले ली ना जमीनें, अब क्या हवेली में भी तुम्हें हिस्सा चाहिए, जिसमें अम्मा अब्बा ने पूरी उम्र तुम्हें रहने भी नहीं दिया? इतना कुछ तो ले लिया। ले लिया? आज अगर मेरा बाप जिंदा होता ना तो आग लगा देता सब चीजों को। खैर, सैयद बहू को कुछ भी ना देता। सैयद ना होना कोई जुर्म तो नहीं है? हाँ, हमारे लिए तो है। मैं ये हवेली तुम लोगों के साइन के बगैर बेच के दिखाऊंगा, देखता हूं तुम लोग क्या कर लोगे। वही करेंगे जो पहले किया था। अभी तो कहा था कि कोर्ट नहीं जाऊंगी। मैंने ये कहा था, हक पर डाका ना पड़े तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो, तुम्हारी ताई आई है। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी मदर की डेथ का सुनकर। बहुत प्यारी हो तुम, बिल्कुल अपनी मदर की तरह। मैं यहाँ पे अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आई हूँ, तुमने जरूर आना है। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। नहीं नहीं, आप तो शादी से डरते हैं। दूसरे बेटे की शादी है, उसका नाम सफीर है। एंड हु इज द ब्राइड? हमारे अकाउंटेंट थे जावेद साहब, उनकी बेटी है सुंबर। इख्तियार शाह ने खुद तो कमतर खानदान में शादी की, अब उस मरहूम की नस्ल भी तुम पता नहीं किस खानदान में जाके जोड़ोगी। आप खातिर जमा रखिए, जिस भी खानदान से होगी नस्ल चलाएगी तो सही, छोड़ के नहीं भागेगी। ये मत भूलो नूरजहां कि वो मुझे छोड़कर भी गई थी तो तुम्हारी वजह से छोड़ के गई थी। ना इख्तियार शाह तुमसे भाग के शादी करता और ना ही एक गद्दी मेरे हिस्से में आती। और बीबी तुम मेरे घर में बैठ के मुझे ही बातें सुना रही हो। मैं बहुत देर से सुन भी रही हूँ भाई साहब। मैं बर्दाश्त भी कर रहा हूँ। तो आदत डाल लेना बर्दाश्त करने की, हमने भी किया। आंटी प्लीज काम डाउन। डैड क्या हो गया, मेहमान है हमारे, आप कैसे बातें कर रहे हैं उनके साथ? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें दरअसल अपने बाप के मिजाज का अंदाजा नहीं है। तुम्हारी माँ ने भी बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सुनी है बातें। बीबी मेरी बेटी को मेरे खिलाफ मत वरगलाओ, ये मेरा भाई नहीं है जो घर वालों से बगावत करेगा। अब नूरू मामा मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें कुछ अकल के नाखुल लो मियाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा रिश्ता भी किसी कमतर खानदान के साथ जोड़ दे। नहीं, इसके लिए तो बड़े खानदान से लाऊंगी। दे ही ना दे तुम्हें कोई बड़ा बाप अपनी बेटी, अच्छे घराने बेटी देने से पहले 7 नस्लों का शजरा देखते हैं, यूं ही किसी को बेटी उठा के नहीं दे देते। तुमने 4 पैसे क्या कमाए, खुद को खानदानी समझना शुरू हो गई। जब पैसे नहीं कमाए थे ना, उस वक्त भी खुद को खानदानी ही समझती थी। हस्त नस्त ना सही, गरीब सही, खानदान तो रखते थे हम। और जरूरी नहीं है कि हर नस्ब रखने वाला इंसान आपकी तरह मुतकब्बर हो। हम आप चले? हाँ बेटा, मेरा ख्याल हमें निकलना चाहिए, उम्र गुजर गई इस बहस में। अच्छा तुम परेशान मत होना, मुझे तो जिंदगी गुजर गई है इनकी बातें सुनते, आदत सी हो गई है। लेकिन खैर, तुम शादी पर जरूर आना, ठीक है? चलो मुराद।